राजधानी में संजय सर्किल थाना पुलिस ने हाल ही में सीकर में गिरफ्तार किए गए गैंगस्टर सिराज बंदूक और उसकी गैंग के 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को सीकर से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने जयपुर के नॉर्थ जिले के संजय सर्किल इलाके में 8 जून को एक मकान पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। यह फायरिंग हाजी कॉलोनी में इमरान कुरैशी के मकान पर की थी। घटना के बाद सभी बदमाश सीकर फरार हो गए थे। पुलिस के मुताबिक ये सभी बदमाश सट्टा कारोबार से जुड़े हुए थे। इसके चलते संजय सर्किल सुभाष चौक में भी रुपयों के लेन देन को लेकर फायरिंग की वारदात की थी। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ पुलिस को और भी वारदातें खुलने की भी उम्मीद है। हमारे इलाके में हाजी कॉलोनी, उसके अंदर में 8 तारीख को इन्होंने इमरान कुरैशी के मकान के पास में आकर फायरिंग की। फायरिंग में 3-4 राउंड इन्होंने फायर किए और भाग गए। उससे पूर्व में इन्होंने सुभाष चौक थाने में भी किसी आदमी को उठा करके उसके हाथ पैर तोड़े थे, जो अभी अनकॉन्शियस SMS में चल रहा है। उसी का पीछा करते हुए हम लोगों ने माणक चौक थाने की पुलिस के द्वारा इनको सूचना दी कि रामगढ़ पहुँच गए, तो वहाँ की पुलिस को टेलीफोन करके इनको गिरफ्तार कराया, जो होटल में रुके हुए थे।